हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ टू योर कैमरा सेटिंग। आपके पास कोई भी कैमरा हो ये मैटर नहीं करता ही, क्योंकि मैं कोई ऐसी ट्रिक एंड टिप्स नहीं बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप करके एकदम सिनेमेटिक लेवल का शूट कर सकते हो। मैं किसी भी कैमरे में ये सेटिंग करना ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छा सा एक परफॉर्मेंस देख सको, अच्छा सा एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग कर सको एंड अच्छा सा अपने क्वालिटी को आप चाहो ऐसा बना सकते हो, जिसके लिए मैं एक टिप्स बता रहा हूँ। जैसे कि कैमरे के सेटिंग में अगर आप एस लॉक पे शूट कर रहे हो, एस लॉक 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैटर नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ आप एक किसी भी एक पिक्चर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए। उसी पिक्चर प्रोफाइल में मैं उसमें सेचुरेशन -5 या -7 एंड देन कॉन्ट्रास्ट -3 कर लीजिए, डिटेल +3 कर लीजिए। याद रखिए, सेचुरेशन -5, कॉन्ट्रास्ट -3 एंड डिटेल +3। सो तब आपका एक डायनामिक रेंज बढ़ जाएगा आपका वीडियो का, जिसका हाल फिलहाल भी मेरा वही सेटिंग है जो एक मेरा ग्रे कलर है जो एक रॉयल कॉम्बिनेशन देता है। तो हो सके इतना ये चीज़ ट्राई करिए एंड देन फिर बाद आपको कलर ग्रेडिंग में कितना मजा आने वाला है वो चीज़ बोलता हूँ इसी सेटिंग से। अगर आपने शूट मैनुअल पे किया है तो उस पर और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि एक मैनुअल पे शूट, मैनुअल फोकस, मैनुअल शटर, मैनुअल एक्सपोजर, मैनुअल ISO, वो सिर्फ आप करके एक प्रोफेशनल शूट किया है, मतलब मैं इस प्रोफाइल से पीछे रहोगे तो उसका कलर ग्रेडिंग में इतना मजा नहीं आएगा। तो हो सके इतना ही याद रखे, फिर से इतना सैचुरेशन -5, कॉन्ट्रास्ट -3 एंड डिटेल +3, इस टाइप के कलर प्रोफाइल बना लीजिए ना। फिर बाद आप जो भी प्रोफेशनल शूट कर ले उसमें आप कलर ग्रेडिंग में काफी सारे ऐसे एलिमेंट दे सकते हो, जैसे कि आपको ब्राउन कलर पसंद है तो ब्राउन टोन दे सकते हो, टील ऑरेंज देख सकते हो, कूल देख सकते हो, वार्म देख सकते हो एंड देन ब्लू आईज देख सकते हो, टाइगर आई देख सकते हो, कुछ भी जात का आप अच्छा सा एम्बियंस वाला कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसे कोई बर्फ वाली जगह पे हो, कूल ब्लू टोन आप दे सकते हो, कैसे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एंड देन डे लाइट में शूट करो तो उसका वार्म टोन देख सकते हो। अगर आपने प्रोफाइल चेंज नहीं की होगी तो आपको उसी चीज से आपका फुटेज की डिटेलिंग भी चली जाएगी एंड देन आपको कलर ग्रेडिंग करने के बावजूद आपका फुटेज इतना डिटेलिंग या इतना डायनामिक रेंज नहीं दे पाता है। तो ये चीज ये है कि जो मेरा फुटेज है वो डायनामिक रेंज दे रहा है, ऐसा फ्लैट नहीं लग रहा है, थोड़ा सिनेमेटिक लुक दे रहा है। तो इसी टाइप से एक डायनामिक रेंज बनाने के लिए ये चीज सेटिंग आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका फुटेज एकदम डायनामिक रेंज वाला एंड एकदम डिटेलिंग वाला शूट निकलेगा। तब जो एक नॉर्मल प्रोफाइल का शूटिंग आपके पास आएगा तब आप एक कंपेयर करके देख लीजिए, क्योंकि ये चीज सेटिंग से कितना इंपॉर्टेंट रखा है। क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे काफी सारी प्रोफाइल में सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोफाइल में शूट किया है जो पूरी कलरफुल है, मतलब मैं वो चीज आज जो मैं शूट कर रहा हूँ उसमें काफी सारा डिफरेंस है, आज काफी प्रोफेशनल शूट कलर ग्रेडिंग हो चुका है। एंड देन आप कोई किसी भी कैमरा यूज करते हो, सब कैमरे में ये फीचर एंड इसी से आप अपनी वीडियोग्राफी की क्वालिटी, रॉयलनेस एंड डायनामिक रेंज आप अच्छे से दिखा सकते हो। सो आई होप यू बी लाइक फॉर ड्रिक कैमरा सेटिंग टिप्स। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप से मैंने काफी सारे ऐसे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हो तो मेरी फिल्म मेकिंग की प्लेलिस्ट बना रहे हो, वहीं पर आप स्टोरी टेलिंग सीख रहे हो। इसी टाइप से ऐसी काफी सारी छोटी बड़ी ट्रिक्स जानने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दे, वहां पर मैं ऐसे शॉर्टकट में एंड ईजी आपको बता रहा था। ये यूट्यूब का वीडियो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी वीडियोग्राफर हो, ऑलरेडी शूटिंग कर रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, वहां पे मैं इस टाइप के इजी एंड फास्ट एक ट्रिक एंड टिप्स बता रहता हूँ। तो आई होप यू वुड बी लाइक फॉर दिस वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए एंड मिलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट ट्रिक एंड टिप्स में। सो दैट्स बी अप्रिशिएट एंड थैंक यू, मिलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।